हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 24th of June है और बाहर हल्की हल्की धूप खिली हुई है। हमने सुबह पहले हम उठ गए थे और हमारी टंकी में पानी नहीं था, तो फिर वही सुबह की ड्यूटी, मोटर चलाओ, पानी भरो। तो मैं और गर्व उठ के हमने पानी वगैरह भरा और अब बज रहे हैं 7:45 के करीब। अब हो चुका है और मैं दे रही हूँ अपने पौधों को पानी, प्लस मैं ग्रिल वगैरह वॉश कर रही हूँ। और आइए आपको दिखाते हैं अपने बर्ड्स। तो बर्ड्स को खाना मैंने दे दिया था, पानी दे दिया है, अभी ये पी रहे हैं। ये देखो व्हाइट वाला मस्त खेलने में लगा हुआ है, हैप्पी हैप्पी हैं। ये एक और ग्रीन आ गया, ब्लू भी आ गया। और कल मैंने इनको नहला दिया था, कल इनको मैंने नहलाया था और आज कितने साफ लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये व्हाइट वाला तो मस्त डांस करने में लगा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों के नेम रख दिए हैं। ये ब्लू वाले का तो मैंने नाम रखा है हनी और व्हाइट वाले का रखा है मैंने बनी, जो डांस कर रहा है, कंटिन्यूस खुश है, ऊपर नीचे इधर उधर। तो ये है हमारा डांसिंग बनी। और ये जो मुझे स्विंग मिला था ना, इससे ये लोग कम खेलते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इनके लिए कुछ मैं बना ही दूँ। गाइस, ये मेरे हिबिस्किस का पौधा है और इसके अंदर में ये वाइट फंगस लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अभी या तो मैं इस पे नीम ऑयल्स जो है पानी में मिला के छिड़काव करूँ, बट अभी मेरे पास नीम ऑयल है नहीं, तो मैंने एक बॉटल के अंदर में सरफ का घोल तैयार किया है, तो मैं वही स्प्रे करके देखती हूँ। गाइस, आप देख सकते हो इस पे ना चीटी भी लगी हुई है। अगर किसी और को कुछ घरेलू उपचार पता है तो प्लीज बताना मुझे। वैसे स्प्रे करने से पानी के ये निकल तो रहा है और इसमें से चीटियां निकल रही हैं। गाइस, ये मैंने कटिंग लगाई थी और आप ये देखो, यहां से मैंने कट किया था और इसके नीचे से साइड ब्रांचेस आ गई हैं। यहां से सब साइड ब्रांचेस आ गई हैं और न्यू ब्रांच भी इसमें आ रही है। ये देखो, इस वाले में भी न्यू ग्रोथ हो रही है और इसके नए नए पत्ते भी साइड से देखो आ रहे हैं। और ये वाला भी प्लांट काफी अच्छा चल गया है, काफी अच्छे फूल आ रहे हैं। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो ना, ये सूखे हुए फ्लावर है, तो बस आप इसको तोड़ लो, यहाँ से कटिंग करके इसी के सॉइल में डाल दो। यहाँ से जैसे ये कोर मेरा फूल सूख गया है, तो मैंने इसको तोड़ के इसी के ही सॉइल में डालूंगी। जैसे ये सूख गया तो क्या होगा, इसके बीज जो है वो इसी के अंदर मिल जाएंगे, सीड इसी के, और न्यू प्लांट यहीं सूख जाएगा। अभी इसको इसमें भी मस्त फ्लावर आ रहे हैं और इसमें खास बात ये है कि दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक तो ये पिंक और एक ये वाइट एंड पिंक, बहुत अच्छा लगता है। ये रेड वाला है। गाइस, ये मैंने बना लिया है लिक्विड फर्टिलाइजर और अब मैं इनको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब में डाल दूंगी। थोड़े थोड़े मैं अब स्प्रे बॉटल में डाल के फिर उससे भी स्प्रे कर दूंगी। गाइस, मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट के अंदर में अपने घर का नेम प्लेट बनवा रहे हैं और ये नेम प्लेट बन के रेडी होकर आ चुका है और ये एक्रेलिक शीट के ऊपर में है और इसके ऊपर है ना एक प्लास्टिक का ना वो लगा हुआ था कागज, वो हमने उतार दिया है और बहुत ही चिपचिप हो गया था, तो
तो फिर मैंने सोचा अगर हम इसको ऐसे ही बाहर लगा देंगे तो डस्ट सारे इस पे चिपक जाएंगे। तो अब मैंने इसको गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से लगड़ लगड़ के चमका दिया और जो उसमें चिपचिपाहट थी ना वो सारी उतर गई। और मैंने साफ करके इनको मस्त सा ट्रे में सजा लिया ताकि बच्चों को आसानी हो इसमें से देख के लगाने में। और बस अब ये दो तीन ही रहते हैं, अभी इनको मैं साफ कर रही हूँ और मुझे लगता है वो लोग आने ही वाले हैं तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको नीचे। थोड़ा टेढ़ा करो और पास करो उसके। हाँ अब ठीक है। और थोड़ी ही देर में हमने अपने घर की नेम प्लेट लगा ली। और गाइस ये हमारी नई टंकी आ गई है। हमारे पास वैसे तो टंकी लगी हुई है बट अक्सर हिसार में पानी की गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी वजह से फिर हम एक और एक्स्ट्रा टंकी लगा रहे हैं। गाइस मेरा एक और कोरियर आ चुका है और गर्व जा रहा है वो लेने। ये रहा मेरा कोरियर नया। फ्रेंड्स मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था ना कि मुझे एक झूला बनाना है अपने बर्ड्स के लिए, तो मैंने एक ये लकड़ी का कार्डबोर्ड लिया है और कुछ ब्रशेस वगैरह भी लिए हैं और इसमें मैंने छेद कर दिया ये साइज़ में, चारों कॉर्नर्स में मैंने एक एक इसके अंदर होल कर दिया है जिसके अंदर मैं ना वूल वगैरह डाल के ऊन डाल के इसका करूँगी और ये कलर्स लेकर आई हूँ इनसे मैं कलर करूँगी। और झूले के नीचे मैं ये घुंघरू लगाऊंगी। पहला कोट मैंने येलो कलर का किया, सेकंड कलर मैंने ब्लू यूज़ किया, थर्ड कलर मैंने रेड यूज़ किया, देन आई कलर्ड इट विद लाइट ग्रीन कलर, एट लास्ट आई अगेन यूज्ड येलो एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। और फिर इसको हैंग करने के लिए मैंने ये लिया वूल पिंक कलर का, क्योंकि मेरा पिंक कलर का केज है और नीडल की हेल्प से मैंने यहाँ पर होल में डाल के इसको हैंग करा। और फिर हम इसमें लगाएंगे घुंघरू और इस तरह से बर्ड्स के लिए मेरा स्विंग रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये स्विंग यहाँ पर हैंग कर दिया और ये ग्रीन बर्ड तो तभी की तभी आ भी गया इस स्विंग के ऊपर। और मैंने पता है क्या किया, एक है ना ढक्कन में ये सीड्स रख दिए। अब ये ग्रीन बर्ड मस्त अपना खा रहा है और झूला झूलने में लगा है। फ्रेंड्स मेरा एक और कोरियर आया हुआ है अमेज़न से और आज सोच रही हूँ मैं इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाऊं। ऐसे तो मेरे बहुत सारे कोरियर आए हुए हैं और मेरा पूरा कैबिनेट सामने वाला भर चुका है तो सोच रही हूँ कि एक एक करके सारे अनबॉक्स कर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने लड्डू गोपाल के लिए क्या लिया। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। ओके इसमें मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए मंगाए थे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये वही आया हुआ है। आपको दिखाती हूँ, ये छोटा सा प्यारा सा एक हारमोनियम है और इसमें एक तबला आया हुआ है, ऐसे है ना क्यूट सा तबला। और ये इसका स्टैंड भी है। एक्चुअली में दो तबले का सेट है, एक तबला और आया हुआ है। ये देखिए स्टैंड कितना क्यूट है। और ये रहा एक और तबला, ये इस पे ऐसे रखा जाएगा और ये वाला तबला ऐसे रखा जाएगा।
और आया है इसमें एक छोटी सी वीणा। और ये देखिए इसमें प्यारे प्यारे ये धागे भी बने हुए हैं, है ना, क्यूट से प्यारे प्यारे छोटे छोटे। अब लड्डू गोपाल मस्त अपना एंजॉय करेंगे इन खिलौनों के साथ में और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।